अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये मैंने कैचअप का न्यू पाउच मंगवाया था और बॉटल मैं पिछले महीने लेके आई थी। मैंने सोचा आप बॉटल को फिल कर देते हैं। दो वजह थी, एक तो ये वजह थी कि ना बच्चे जो हैं कैप नहीं लगाते पाउच का, फिर ना वो जब फिल भरा हुआ हो ना तो वो बह जाती है कैचअप फ्रिज में। तो अब बॉटल में ये सहूलत रहेगी, एक तो ख़त्म होने का पता चल जाएगा, दूसरा ना ये कैप तो लगाएंगे ही ना। अच्छा, मैं ना चम्मच से कैचअप निकाल रही ना तो मेरी बेटी कहती है मामा जी क्या हो गया आपको। मैंने कहा जितनी महंगाई है ना मैं इसे काट के ना जैसे घी निकालते हैं उंगली से वैसे मैं कैचअप निकाल लूँ, मेरा तो ये दिल कर रहा है। अच्छा जी, ये साथ मैंने ना काली मिर्चें मंगवाई थी। काली मिर्चें ना मैं जब कभी बादी चीज़ खाऊँ ना जैसे आलू गोभी और चावल वगैरह, तो मैं ना रोज़ सुबह तब 7 दाने ना सुबह निहार मुँह खा लेती हूँ पानी के साथ, तो वाई बादी के लिए काली मिर्च बहुत अच्छी है। उसके बाद बच्चों ने नाश्ता करना था आज फ्रेंड टोस्ट का, तो फ्रेंड टोस्ट बनाए थे। अच्छा, महंगाई से ना कल मैं एक शेर सुन रही थी तो मैं बड़ा माचिसी सा शेर है ट्रकों वाला ना, तो मैं आपको भी सुनाती हूँ। मेरी शाम को सवार दो, मेरी रात को करार दो, या मेरी बिजली का बिल तार दो, या मुझे अपने मीटर से तार दो। ठीक है, मैंने कहा मैं अपने व्यूज़ के साथ भी शेयर, अपने व्यूवर्स के साथ, व्यूज़ के साथ, व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। अच्छा जी, वैसे हाल तो यही हुआ पड़ा। लोबिया पड़ा हुआ था, आज पकाना था लोबिया। ठीक है, तो मैंने ना सुबह सुबह ही तर दिया था मैं हल्दी और नमक डाल के। मैं कहा चलो, जब हंडिया बनानी होती है तब गैस तो होती नहीं, मैं कहा चलो लोबिया उबला हुआ होगा थोड़ी सहूलत तो रहेगी। उसके बाद जी लोबिया तर के ना मैं आ गई थी रूम में, और मैं यहाँ पर रोज़मर्रा के अपने वही चाड़ू पोंछा तपड़ी चीजें समेट रही हैं वो शुरू हो गई थी। नहीं जी, बारी आ गई फिर मेरे अपने नाश्ते की। अच्छा, एक आलू हो गए, एक आलू गोभी होगी, एक दाल होगी, बहुत बरकत पड़ती है इसमें। ठीक है, तो मैं ना फिर या तो रोटियां पका पकाई मुकाती हूँ इसको। तो मैं ना आज फिर आलू मैश कर लिए थे, बीच में मैंने प्याज और अल्लाह पला करे अनारदाना, हाँ वो पीस के ना दोबारा डाल दिया था, तो बड़ी मज़े की ना रोटी बन गई थी। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं पराठा खाती हूँ ना तो मैं अपने आप को यही हौसला देती हूँ, वज़न ज़्यादा तो नहीं है इतना, बस गोभी के फूल जितना ही है। लेकिन पता है सही बात बताऊं कि ना अब फिर क्या करें हैं, अब वही बात आ गई, अब वजन घटा के क्या करना है, खाओ पियो मौजा उड़ाओ, जिंदगी के दिन 4 हैं। ठीक है, तो मैं ना वैसे नहीं, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है और इंसान को ना एक्टिव रहना चाहिए, तो मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी, अगर आप चाहें, आप ना भी चाहें तो मैं शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना पराठा बन गया था, देखें कितना क्रिस्पी पराठा हुए हुए। आज ना साथ मैंने चाय और रायता बना हुआ था, रायता बना लिया था, चाय और ना फिर मैंने सुबह पेट भर के पराठा खा लिया था, बड़ा मज़ा आया था। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। तो ना फिर दोपहर को मैंने कुछ नहीं ना खाया, दोपहर को फिर मैं ना जब पराठा खाऊँ ना अपने आप को हौसला देती हूँ कि आज दोपहर को सिर्फ एक सेब ही खाना है और कुछ नहीं खाना। अच्छा जी, फिर बारी आ गई थी दोपहर की हांडे की। ये भी रोज़ ही पकाना पड़ता है। अच्छा, वो ना लोबिया बॉईल करके रखने से मुझे ये सहूलत होगी कि मैंने चिकन को जल्दी जल्दी भून लिया जिस तरह भूनते हैं, और ना फिर मैंने इसके अंदर ना लोबिया शामिल कर दिया और लो जी हांडी पक गई।
अच्छा मैं ना फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। उससे दो चीज़ें हो जाती है, एक मेरा दिल लगा रहता है, एक दूसरा ना घर जो है वो यानी कि ना मैं सजा सवार लेती हूँ। ठीक है। अच्छा ये मेरी शर्ट थी, आपको मैं दिखाने का मकसद पता है क्या है? ये मैंने बड़े चाव से मंगाई थी ऑनलाइन ना, इसके साथ पिंक कलर का शॉकिंग पिंक ट्राउज़र था। एक वक्त था जब मैं ऐसे कपड़े पहनती होती थी, तो ना फिर मैंने घर में पहनने के लिए मंगवाई, लेकिन हुआ ये कि फिर ना मुझे नज़र आ गया कि आजकल जो बाजार में मार्केट में स्टूल मिलते हैं ना, उनके ऊपर भी ऐसा प्रिंट होगा, आप सबने देखा होगा मुझे यकीन है। तो ना मेरा दिल चढ़ गया इस सूट से, मैंने ना फिर इसे रख छोड़ा। रख छोड़ने के बाद ना फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ उन स्टूलों के ऊपर है, तो मेरे पास ये छोटा स्टूल पड़ा था। बस मेरे बच्चे कहते मामा को स्टूल का कवर बनाना आ गया, बस अब हर जगह स्टूल ही स्टूल नज़र आएंगे। मैं क्या फिट्टे हाल भाई ना, जब कभी बैठते हैं ना सोफे पर तो दिल करता है ना कि टांगे लंबी करें, तो फिर मैंने ना ये छोटा सा स्टूल बना लिया कि चलो बंदा पैर पूर रख लेता है, कोई बंदे वैसे भी बुजुर्ग बंदा आ जाता है तो उसके पास रख दिया जाता है कि वो पैर ऊंचे कर लवे। तो मैंने ना ये स्टूल बना लिया। तो फ्री टाइम गुजारने का ना बेहतर तरीका ये है, इससे दो फायदे हो जाते हैं। मैंने पहले भी बताया कि आपका घर प्यारा लगता है, ठीक है, और एक आपका टाइम गुजर जाता है, आप मसरूफ़ रहते हैं, दिन में कोई एवं दुख भी नहीं ना चढ़ता मेरे तरह। तो मैं कहती हूँ पलाओ वाइटी का और मेरी आप सब बहनों का, आप सब मेरी प्यारी सी फैमिली का, मुझे बहुत अच्छे अच्छे मुखलिस से फ्रेंड मिले हैं जो मुझे दोबारा ना दुनिया की ज़िंदगी की तरफ लेके आए। लेकिन एक वक्त था जब मैंने ज़िंदगी जीनी छोड़ दी थी, बहुत सी वजूहात हैं, बताऊंगी किसी दिन फिर आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा उसके बाद ना फिर स्टूल मैंने तैयार कर लिया और फिर ना ये थोड़ा सा दूध पड़ा था तो मैंने कहा चलो भी कस्टर्ड बनाते हैं। एवं कोई ना व्लॉग देखा तो उसमें वो बना रही थी, तो बस फिर मैंने मेरे भी दिमाग च आ गया, मैं कहा मैं भी बनावा, मेरा दिल कर पिया। तो मैंने ना स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड पड़ा था, फ्रूट कॉकटेल भी पड़ा था, केक मैंने बाजार से मंगवा लिया, वो सुपर केक जो होते हैं ना वो, उन्हें दरमियान से काटा, नीचे लेयर रखी, ऊपर कस्टर्ड डाला, फ्रूट कॉकटेल डाले, फिर ऊपर कस्टर्ड डाला, और लें जी मेरा कस्टर्ड तैयार हो गया यमी यमी सा। फिर मैंने फ्रीज़र में रख दिया, शाम को इंशाल्लाह हम खाएंगे। अच्छा पहले ना मैंने रखी दो ये बेरीज ना, हाँ, तो फिर मुझे ना अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने एक चुप के खा ली एक रहने दी। अच्छा जी उसके बाद ना आटा मुक गया था, आटा मुक गया तो मट्टी साफ़ की, मैंने ना टिशू को थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, फिर ना मैं इससे ना सारी ये मट्टी जो है ना साफ़ कर लेती हूँ, और फिर इसको थोड़ा सा धूप में रखती हूँ और आटा डालती हूँ। ये ना मेरा न्याना गया था आटा लेने, पहले तो इसने किए बड़े ड्रामे कि नहीं जी मेरी वीडियो ना बनाओ, मैं क्या भला होवे तेरा है, माँ का चैनल चल पवेगा तेरे नाल तो चल। फिर कहते हैं अच्छा चलो मैं आता हूँ थोड़ा ज़्यादा ना बनाना। फिर वो आटा लेके आए और फिर ना मैंने ये मट्टी में आटा डाल दिया। ओके जी, आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बतों का, आप सबके कमेंट्स का, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सबके व्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया।